जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार से पूछताछ के दौरान कई सारे सच सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सुशील कुमार बड़ी ही चालाकी से छुपाते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए सागर धनखड़ हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार से लगातार पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया, और बड़ा फैसला ये है कि अब वो मनोविज्ञान से संबंधित एक्सपर्ट का सहारा ले रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में सुशील पहलवान से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने मनोवैज्ञानिक की मदद ली है, क्योंकि सुशील सवालों के जवाब देने में बच रहे हैं और असामान्य व्यवहार का सहारा ले रहे हैं, यानी कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे पुलिस भी चकमा खा जाए। लेकिन इसी वजह से यहां पर मनोविज्ञान से एक्सपर्ट की मदद ली गई है, ताकि उसके बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातों से पता लगाया जा सके सच का। अब बीते दिनों पूछताछ के दौरान सुशील फूट फूट कर रोने लगा था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को काफी सारी रुकावटें का सामना करना पड़ा। पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ ही मनोवैज्ञानिक भी सुशील कुमार से पूछताछ कर रहे हैं, उनकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुशील पहलवान मनोवैज्ञानिक के सवालों से डर रहा है, सुशील कुमार मनोवैज्ञानिक की पूछताछ से बचना चाह रहा है। ऐसा सामने आया है कि गैंगस्टर काला जठड़े की धमकी के बाद सुशील कुमार काफी डरा हुआ है, साथ ही वह पुलिस के लगातार गुमराह कर रहा है। लेकिन ऐसे में खबर यह है कि मेंटली स्ट्रांग और झूठ बोलने माहिर सुशील कुमार लगातार चकमा देने की कोशिश में है। वो पुलिस कस्टडी में भी झूठ बोलने के मामले में मेंटली स्ट्रांग है, यानी कि पूरी तरीके से अगर कोई सच बोलता है तो वो नहीं पता चलता कि सच बोल रहा है, कोई झूठ बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये भी नहीं पता चलता कि वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ ऐसी अपडेट सामने आई है। उधर क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार किए गए काला असौदा गैंग के चार और आरोपी भूपेंद्र, गुलाब, मंजीत, मोहित को आज सुशील कुमार के सामने बैठा कर पूछताछ करेगी। इसके सख्त ही चारों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।